सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फूड एग में। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक अपडेट रिसीव हुआ है रियलमी 5 प्रो के अंदर। एंड ये बहुत ही बड़ा अपडेट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे नए नए यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप लोगों को क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है इस वाले अपडेट को करने के बाद। तो इस वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिए। एंड सो वीडियो की एक बार से आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर देना। तो चलिए सो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस अपडेट की अगर बात करें तो ये अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिला तो आप लोग इसको मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। मैन्युअली अपडेट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिया हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर फर्स्ट चेंज की बात करें तो आप लोगों को जो कि एक नया सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिलेगा इसमें, जो कि रहेगा December 5 का। नेक्स्ट चेंज की अगर यहाँ पे बात करें तो क्लोन ऐप्स, ओके, तो ये जो आप लोग अभी देखने को मिलता है ये जो क्लोन ऐप्स का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अभी जो कि फिलहाल आप लोग कुछ गिने चुने एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं, लेकिन इस वाले अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस के अंदर आप लोग ट्विटर, फ्रीचार्ज, जोमाटो, स्विगी, स्नैपचैट इन सब एप्लीकेशन का भी आप लोग क्लोन यहाँ पे कर सकते हैं इस वाले अपडेट को करने के बाद। एंड गाइज यहाँ पे अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें तो आप लोगों को मिलेगा एक सेटिंग्स के अंदर डार्क मोड एनेबल का ऑप्शन, ओके। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से अगर आप लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो नीचे जो कि आप लोगों को दिखाई देगा डार्क मोड का ऑप्शन, तो आप लोग इसको ड्रैग करके ऊपर में लाइए। मैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ला कर रखा हूँ एंड आप लोग इसको जो कि यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं डायरेक्ट से डार्क मोड को। तो अभी आप लोग को सेटिंग्स में जाने का ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप का आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर ही देखने को मिलेगा फ्लैश लाइट ऑन का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों जब भी इनकमिंग कॉल आपके डिवाइस के अंदर आएगा तो कुछ इस टाइप के जो कि आप लोगों का फ्लैश लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगा, ये वाला ऑप्शन जो कि आप लोगों को अभी फिलहाल आप लोगों का जो नोटिफिकेशन सेंटर है इसके अंदर ही दिया गया है। आप लोग कुछ डार्क मोड के जैसे यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं उसको भी, इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स में जाना नहीं है। तो नेक्स्ट चेंज की अगर बात करें तो कैमरा के अंदर, ओके, तो ये अगर आप लोगों को फ्रंट कैमरा में दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था, ओके, जो नाइटस्केप का एक ऑप्शन दिया गया आप लोगों को फ्रंट कैमरा के अंदर, तो उसको जो कि अभी फिलहाल फिक्स किया गया है। अगर कुछ आप लोगों को ब्लैक स्पॉट आता था, ओके, जो नाइटस्केप मोड यूज़ करने के दौरान फ्रंट कैमरा में रियलमी 5 प्रो के अंदर, तो इसको अभी जो कि फिलहाल फिक्स किया गया है इस वाले अपडेट में। एंड गाइज यहाँ पे अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें तो ये जो कि काफ़ी पॉपुलर एक रिक्वायरमेंट है रियलमी डिवाइसेस के अंदर जो कि फ़ॉन्ट चेंज का ऑप्शन, तो ये जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रियलमी 5 प्रो के अंदर कुछ इस टाइप से। पहले से जो कि आप लोगों को बाय नाउ का ऑप्शन आता था, लेकिन इस वाले अपडेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट से किसी भी फ़ॉन्ट को उठाकर यहाँ पर डाउनलोड करके अपने डिवाइस के अंदर इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो दोस्तों इस वाले अपडेट में कुछ आप लोग यही सब मेजर चेंजेस देखने को मिलता है, और भी अगर कुछ बग्स था तो इसको फिक्स किया गया है। लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फिक्स द इशू ऑफ द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेशिंग व्हेन लॉन्ग प्रेस ऑन डेस्कटॉप आइकन टू क्लियर स्टोरेज यूजेस। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों का डिवाइस ऑटोमेटिकली लैंडस्केप मोड में जब आता था देन दोस्तों यहाँ पे फोन मैनेजर जो है ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे जो क्रैश हो जाता था इसको जो कि यहाँ पे फिक्स किया गया है। और भी कुछ यहाँ पे फिक्स किया गया है, लाइक आप लोग देख सकते हैं, देखिए फिक्स द इशू दैट इंग्लिश इज सिलेक्टेड इन द टाइम जोन इंटरफेस इन हिंदी। तो ये सारे कुछ अगर इशू था आपके डिवाइस के अंदर रियलमी 5 प्रो में, तो इस वाले अपडेट को करने के बाद ये सारा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आप लोगों के फ़ोन से चला जाएगा एंड आप लोग अपने डिवाइस को यहाँ पे दोस्तों बहुत ही स्मूथली यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे यही सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद, वीडियो की वजह से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर देना। मैं तो छोड़ो दोस्तों, बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।